आकाशकांत बीए फाइनल के छात्र हैं, सारा एक पेपर अटेंड करते हैं लेकिन फेल कर दिए जाते हैं। हाँ, फेल हो रहे हैं सर। वहाँ के टीचर लोग आंख मूंद के चेक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो बोलते हैं कि अभी नहीं हो पाएगा, मतलब हम नहीं बता सकते, ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट। हम नहीं बताएंगे, आप डाल दो भले। जो आदमी, जो बच्चा जो है, जो छात्र एग्जाम देने गया, उस विषय का एग्जाम भी दिया, उस विषय में आप एब्सेंट कैसे दिखा सकते हो? तो मेरे साथ बस नहीं सर, बाकी सब बच्चे लोग के साथ भी हुआ। उसका तो एब्सेंट नहीं डाले, लेकिन उसका 0-0 मार्क्स से डाल दिया पूरा। पेपर दिया भी है? हाँ, 0 नंबर का। हाँ, एक हफ्ता, दो हफ्ते, तीन हफ्ते में देख। 20 दिन हो गए आज। हाँ, 20 दिन के बाद भी आज गया कॉलेज वहाँ से। नमस्कार, जय जोहार, मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट हैं इन दिनों चर्चा में हैं, क्योंकि बीए वाले भी फेल हो जा रहे हैं। ये अपेक्षाकृत अपेक्षा नहीं होती कि यार बीए वाले कैसे फेल हो जाएंगे। लोग समझते हैं कि सबसे सरल सब्जेक्ट कोई है, सबसे सरल कोर्स कोई है, तो वो बीए है। लेकिन बीए वाले भी फेल हो जा रहे हैं, तो इसके पीछे की कहानी हमने जानने की कोशिश की, तो उसकी रिपोर्ट हम आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक ऐसे मामले की रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज, जो शायद इतिहास में तो हुआ होगा लेकिन इस बार और ज़्यादा हुआ है, तो चर्चा में है। हमारे साथ भाई है जो बीए फाइनल के छात्र हैं। क्या नाम है आपका? आकाशकांत। आकाशकांत है। इनके साथ क्या हुआ है मैं पहले शॉर्ट ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद पूरी कहानी खुद ही बताएंगे। आकाशकांत बीए फाइनल के छात्र हैं, सारा एक पेपर अटेंड करते हैं लेकिन फेल कर दिए जाते हैं। अब सवाल ये कि कौन से विषय में फेल, हिंदी जैसे विषय में फेल कर दिए जाते हैं, जबकि उस विषय में, उस विषय को उन्होंने अटेंड किया था, यानी कि उन्होंने पेपर दिया था, बावजूद इन्हें फेल कर दिया जाता है अब्सेंट दिखाकर। अब ये सवाल बड़ा है कि यार जो आदमी, जो बच्चा जो है, जो छात्र एग्जाम देने गया, उस विषय का एग्जाम भी दिया, उस विषय में आप एब्सेंट कैसे दिखा सकते हो और फेल कर दिए गए हैं। रिजल्ट कब आया? 4 तारीख को। 4 जुलाई। और आज तारीख है 24 जुलाई। 24 जुलाई। 20 दिन हो गए जी सर। तो आपका रिजल्ट करेक्शन हुआ? क्या दिखा है सर उसमें? मतलब अभी तक तो फेल ही दिखा रहे हैं। रिजल्ट ये सुधार ये हुआ कि इन्हें फेल कर दिया गया है। हाँ। अभी तक अब्सेंट ही दिखाया जा रहा है। ये देखिए अब्सेंट, जो हिंदी लैंग्वेज है 75 नंबर के थे, जिसमें 26 नंबर उसको पाना था, और थ्योरी में अब्सेंट दिखाया गया है। प्रैक्टिकल तो है ही नहीं शायद इसमें, थ्योरी में इन्हें अब्सेंट दिखा दिया गया, जबकि उसका पेपर जो है, उस तारीख का जो पेपर इन्होंने दिया था, हिंदी कब था? 13 मार्च को। देखिए ये अटेंडेंस शीट है, ये अटेंडेंस शीट जो होता है वहाँ पे सेंटर में होता है, और पहला पेपर था ना जी सर, पहला पेपर आपने अटेंड भी किया था। हाँ। ये उसकी साइन है, आकाशकांत 13 मार्च, और एक केंद्र प्रभारी। कहाँ का केंद्र है आपका? खुर्सीपार। खुर्सीपार कॉलेज। पढ़ते कहाँ के हो? पढ़ाई कहाँ करते हो सर? वहीं करता हूँ। वहीं के ना, वहीं सेंटर था। हाँ। तो वहाँ आप अटेंड भी किए हो, पेपर भी दिए हो, लेकिन फेल दिखा दिया गया जी सर। उस दिन मतलब इस बारे में कोई बात हुई आपके कॉलेज प्रिंसिपल से? यूनिवर्सिटी में गए, क्या हुआ? एप्लीकेशन लिख के दिए, वहाँ जमा किए कॉलेज में। हाँ। तो वहाँ बोलते कि मतलब हो जाएगा, एक हफ्ते का टाइम दिए, एक हफ्ता, दो हफ्ते, तीन हफ्ते में देख। 20 दिन हो गए आज। हाँ, 20 दिन के बाद भी आज गया कॉलेज वहाँ से, आया तो बोलते कि डेट बता दो। मैं पूछा कब तक आ जाएंगे, फिर मैं रीचेकिंग कभी डालूंगा सर, तो नंबर कम होंगे उसका भी डेट निकल जाएगा। तो बोलते कि अभी नहीं हो पाएगा, मतलब हम नहीं बता सकते, ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट। हम नहीं बताएंगे, आप डाल दो भले। आपको तो फेल कर दिए गए हैं, और सारे विषय अटेंड किए, सारे विषयों में पास भी हैं, सिर्फ अब्सेंट के कारण आपको फेल दिखाया जा रहा है जी सर। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ आया सर, मतलब वहाँ से कुछ उम्मीद है। तो बिलाई टाइम्स के दफ्तर पहुंचे हैं, इन्होंने अपनी पीड़ा बताई है, क्योंकि हमने इसकी स्टोरी, एक स्टोरी कवर की थी कि बीए सेकंड ईयर का रिजल्ट जो है 33% आया है, ये कैसे हो सकता है? तो मेरे साथ बस नहीं सर, बाकी सब बच्चे लोग के साथ भी हुआ। हाँ, मतलब ये जो केस है, आप पेपर दिए उसके बावजूद आपको एब्सेंट दिखाया गया है, ये इकलौते नहीं है आप जी सर। मेरा एक फ्रेंड है ईश्वर भाई थी, उसका तो एब्सेंट नहीं डाले, लेकिन उसका 0-0 मार्क्स से डाल दिए पूरा। पेपर दिया भी है? हाँ। 0 नंबर का? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है, 1 नंबर का लिखा होगा? लिखा होगा सर, लेकिन उसमें 0 डाल दिए टीचर लोग। कितने विषय में? हिंदी बस में। हिंदी बस में। हाँ। बताओ यार, हिंदी में खेला हो रहा है जी सर। बताओ, ये तो अटेंड भी किए थे, वो भी अटेंड किए थे, लेकिन 0 नंबर, सोचिए हिंदी जैसे विषय में 0 नंबर कैसे पा सकता कोई आदमी? और बना के भी आया हिंदी का तो फर्स्ट पेपर है, सबसे सरल पेपर रहता है। अगर कोई बात करे तो हिंदी तो लिखनी है उसमें, मतलब चाहे सवाल पूछे जाएंगे उसके रिलेटेड जवाब देने हैं, आदमी 1 नंबर के लायक तो लिखा ही होगा ना? लिखेंगे। बताओ, इनके जैसे और भी लोग हैं जिन जो अटेंड, जिस दिन अटेंड भी किए थे उन्हें एब्सेंट दिखा दिए गए हैं, नंबर बनाया भी था नंबर, उसके बाद उन्हें 0 नंबर दे दिए गए हैं। फाइनल ईयर बच्चों के लोग के साथ है, तो जिंदगी में वो कर रहे हैं भाई। तो फाइनल में आप अभी ग्रेजुएट हो जाते हैं आप जी सर, नौकरी चाकरी करते जी सर, तो अप्लाई कुछ आगे क्या प्लान है? अभी तो फेल कर दिया, फिर एमए वगैरह करते कहीं। हाँ, फॉर्म भर दिए?
नहीं, अगली कक्षा में जाने के लिए फॉर्म भी नहीं भरे होंगे। नहीं भरो, जब तक रिजल्ट ही नहीं आएगा सर कैसे भरो। रिजल्ट ही नहीं आएगा कैसे भरोगे। वाकई में हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आप देखिए हाल बेहाल है, क्योंकि इस साल जो रिजल्ट आया है वाकई में अपेक्षा नहीं थी किसी को कि इतना खराब रिजल्ट आएगा। इतना लंबा लाइन लगा था सर, मैं बस नहीं बहुत लोग थे। कितना टाइम बाद मेरा नंबर आया। जी सर जी, जो सब अपनी प्रॉब्लम लेके आए हैं, सब रीचेकिंग में डाल रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी इतने कम नंबर हो ऐसे। हाँ, फेल कर दिए जाएंगे। जी सर, आप तो अटेंड भी किए उसको, आपको अब सेंड कर दिए गए हैं। जी सर, ये बड़ी वाकई में स्थिति खराब है हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी का। भगवान मालिक है वाकई में, कुछ भी हो रहा है। कुछ लोग ये बोले थे कि लास्ट ईयर जो जनरल प्रमोशन दिए थे ओपन बुक से आप लोगों ने लिखा था, आपने भी गाइड लेके लिखा होगा लास्ट ईयर। कितने नंबर आए थे लास्ट ईयर सेकंड ईयर में? लास्ट ईयर सेकंड ईयर में मतलब सर उसमें आया था 300 कुछ, मतलब पास थे ना, पास फर्स्ट डिवीजन वगैरह रहे होंगे। और इस बार तो इन्हें वो कर दिया गया है। ये देखिए बाकी नंबर की बात करें तो इनके नंबर तो ठीक ठाक हैं। इंग्लिश में इन्हें 31 नंबर मिला है, पासिंग नंबर 26 है। इंग्लिश कमजोर है क्या आपका? नहीं सर जी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में इन्हें नंबर मिले हैं 50 नंबर मिले हैं, सॉरी कितने नंबर है 49 नंबर टोटल 49 है। इकोनॉमिक्स में इन्हें 56 मिले हैं, जियोग्राफी में इन्हें 53 मिले हैं, टोटल 600 नंबर में 189 नंबर मिले हैं, है ना। वहाँ के टीचर लोग ऐसे चेक किए कि सेकेंड ईयर में 356 था आपका, फर्स्ट ईयर में 402 था। जी सर ठीक है, मतलब आप डिक्रीज हो रहे हैं यार, पढ़ाई लिखाई कम होते जा रहा है। कि ना खेल हो रहा है कुछ? हाँ खेल हो रहा है सर, वहाँ के टीचर लोग आँख मुन के चेक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है चेक भी नहीं कर रहा है, बस ऐसे नंबर पढ़ा रहे हैं। वाकई में जो चेक करने वाले हैं उन पे सवाल उठ रहे हैं और हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी के। तो बाकी और भी बच्चों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, इसके हम डिटेल स्टोरी कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में वो भी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस बंदे का जो है, इस छात्र का जो है, करेक्शन होना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि ये अपने आगे की तैयारी कर सके। बी ए ग्रेजुएट हो चुके हैं। अगर कितना नंबर मिल जाएगा आपको हिंदी में? अभी तो जीरो है आपका, कितना लिखे होंगे सर? 60 के ऊपर ही आ सकते हैं। 60 के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि हिंदी तो नंबर गेन वाला सब्जेक्ट होता है। जी सर ठीक है, 60 से ऊपर आ सकते हैं तो नंबर इसके साथ भाई पास भी हो जाएगा। करेक्शन जल्दी करना चाहिए ताकि फ्यूचर इनका खराब ना हो, क्योंकि अगर एमए में भी इनको एडमिशन लेना होगा तो शायद पोर्टल बंद हो जाएगा। 31 जुलाई तक लास्ट डेट है, 31 जुलाई से पहले इनका समाधान करना होगा, नहीं तो दिक्कत में आ जाएगा, भाई का भविष्य खराब हो जाएगा। इनके जैसे और भी लोग हैं उनका भी भविष्य खराब हो जाएगा। हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी का हाल बेहाल है, ये बात मैं लगातार कह भी रहा हूँ, लगातार रिजल्ट भी दिखाया जा रहा है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। आपने शायद रजिस्ट्रार सर को लेटर भी लिखा है। जी सर, ये लेटर है यूनिवर्सिटी में, मतलब 7 जुलाई को लिख दिया था आपने। हाँ, ये जमा करके आ गया था। उसके बावजूद कोई करेक्शन नहीं है, उसके बाद भी कुछ वो नहीं, करेक्शन नहीं। चलिए ठीक है, इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए अगर बने रही विलाई टाइम्स के साथ में। अगर इनके जैसे और भी स्टूडेंट हैं जिन जो अटेंड किए थे उन्हें एब्सेंट दिखा दिया गया है, जिनका नंबर जीरो ही है, एक नंबर के लायक भी नंबर नहीं आया है, तो ऐसे लोग चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम उस पर डिटेल स्टोरी कर सके। आप अपना नाम नंबर यानी कि रोल नंबर और नाम लिख के दीजिए, हम उस पर हम डिटेल स्टोरी करेंगे तो उसको हम शामिल करेंगे। इस तरह की बाकी अपडेट्स के लेकर बने रहिए विलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको बहुत सारा अपडेट मिलते रहे। और हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी के इस कार्यशैली को लेकर आप क्या कहेंगे वो भी आप बताएं हमें कमेंट करके। जय हिंद, जय जवाहर।